नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम को लेकर जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है और मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार आप फिर से नए सिरे से आप जुट जाओ। दोस्तों, 3 महीने जो है एग्ज़ाम को बचे हैं। जनवरी आधा चला गया, तो अगर हम इसको निकालें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक टाइम था जब आप वेट करते थे रीट कब आएगी, रीट कब आएगी। रीट आ गई, परीक्षा की तिथि भी आ गई, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे तो भी ये समय जाएगा, 25 अप्रैल आएगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी 25 अप्रैल आएगी। इसलिए मलाल नहीं रहें और मन लगाकर, जी जान लगाकर पढ़िए, कठोर परिश्रम कीजिए। अब यहाँ कठोर परिश्रम का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको मतलब कोई कहीं धूप में खड़ा रहना है, मगर हालांकि पढ़ना काम भी कठिन है दोस्तों, क्योंकि समय निकालना कठिन होता है। तो आपको समय निकालना है, समय को बचाइए और वो जो बचा हुआ समय है वो आप पढ़ाई में निवेश कीजिए। घर के काम, यारी दोस्ती, मोबाइल, अन्य छोटी मोटी जिम्मेदारियां यूं ही चलते रहेगी। 3 महीने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके अगर आप एकाग्र होकर पढ़ने लग जाते हैं तो। मगर आप कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। राज्य के सेवा में आप प्रवेश कर जाओगे, आर्थिक दृष्टि से आपकी सुरक्षा हो जाएगी, समाज में मान सम्मान होगा और बार बार का जो झंझट है, जहाँ तक कि अध्यापक का जो ग्रेड 3 तक की जो तैयारी है आपको, यानी रीट तक की जो तैयारी है, उससे आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो आप मन लगाकर, अभी भी वक्त है, आप ये मत सोचिए कि टाइम चला गया, अभी भी वक्त है, अभी भी आप सिलेबस को 2 बार 3 बार तक रिवीजन कर सकते हैं। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो किताबें हैं, देखो, अनाप शनाप किताबें मत रखना, एक ही चीज़ के 2-2 3-3 चार-चार किताबें मत रखना। आप बेसिक तौर पे आरबीएससी बोर्ड बता दिया है, पिछले साल जो चल रही थी 2019-20, उनको देख लीजिए, जो टॉपिक है सिलेबस में उनको देखिए केवल, उसके अलावा कोई एक गाइड जो भी आपको ठीक लगे सहायता के लिए उसे भी रखिए। मनोविज्ञान की एक किताब, हिंदी की एक किताब, अंग्रेजी या संस्कृत की एक किताब, एक सामाजिक विज्ञान या विज्ञान की एक किताब। लेवल 1 वाले हैं वो भी इसी तरह से कक्षा 8 तक की किताबें, सामाजिक की, हिंदी की, उनके जो लास्ट में क्वेश्चन है उनको, तो इन चीज़ों को देखिए। अपनी टेबल जो है उस पर से अनावश्यक किताबों को एक बार हटा दीजिए। आपको जो 2 या 3 किताबें पढ़नी है दिन में, उनको आप पढ़िए। तैयारी लोग 2 अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ 3 या 4 सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट को निपटाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी ले ली और कहा कि ये किताब है, इसको 10 दिन में पूरा करना है। अब मेरे ख्याल से 2 या 3 सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं तो ठीक रहता है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि उस सब्जेक्ट को पढ़े हुए 2 महीने हो गए। तो इसलिए आप प्रातःकाल या दोपहर का, शाम का, इन समय को मैनेज करके 2-2 3-3 शीटिंग बना सकते हैं, कंटिन्यू पढ़ सकते हैं दोपहर बाद से रात तक, या सुबह जल्दी से दोपहर तक, या थोड़ा दो सुबह, थोड़ा दोपहर, थोड़ा शाम, जैसे भी करके आप अपना एक पर्सनल कच्चा टाइम टेबल बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो, और एक एक मिनट का हिसाब उसमें नहीं रखना है। पेंसिल से आप लिखिए टाइम टेबल कॉपी में और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। 1 सप्ताह का लक्ष्य बना लीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे आज का लक्ष्य, अभी का लक्ष्य, आज का लक्ष्य, 1 सप्ताह का लक्ष्य, उनको अचीव करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मेहनत करिए, मन लगाइए। आप सोचिए कि आज थोड़ा, आप 5 मिनट सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे आप कुछ सोचेंगे या आप उसको नोट कर लीजिए कि आज आपने ये गलती की, यहाँ टाइम चला गया, तो उन चीज़ों से बचिए। टाइम खराब करने वाले उनसे बचिए, नेगेटिव बोलने वालों से बचिए। आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे, किसी का कोई जो है नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कई लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव ले जाते हैं कि अरे 11 लाख लोग हैं, 13 लाख लोग हैं। 13 लाख को आप भूल जाओ, जितने हैं उनको आप कम नहीं कर सकते। 31,000 पोस्ट है, उसमें से इतनी L1 की है, इतनी L2 की है, ये है, वो है, उन सबको आप भूल जाओ। आप केवल कर्म करते जाओ, कर्म जो है उस करते जाओ। आपका, आपको एक सीट चाहिए, सीट चाहे 500 आओ, 1,000 आओ आपके सब्जेक्ट की, 2,000 आओ, आएगी सीटें, परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी आएगा,
समय धीरे धीरे गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मगर अगर आपने इस समय का उपयोग नहीं किया तो हमेशा अफसोस रहेगा कि टाइम मिला था। फिर आप अगर दो चार नंबर से रह गए ना तो बड़ा धोखा होगा कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेते, ये हो जाता वो हो जाता। तो इसलिए आप जो है क्लियर कर लेवे कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से ही पानी उबलता है ना, इसलिए पूरी आंच जो है वो आप लगाओगे, अपने आप को पूरा तपाओगे, पूरी मेहनत करोगे, तभी जो है सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत भी अगर कमी रह गई तो अगर पॉइंट से रहे, एक नंबर से रहे, तो बात तो वही है, फिर वेटिंग का इंतज़ार करते रहो, वेटिंग आए नहीं आए, फिर भी वेटिंग में भी पॉइंट के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए दोस्तों वेटिंग का इंतज़ार ही नहीं करना पड़े, इतनी अच्छी मेहनत करो कि आप टॉप रैंक के साथ में, आप ये मानो कि आपको अंडर 100 अंडर 50 आना है, अच्छी रैंक के साथ आप तैयारी करने की कोशिश करो। और कोई भी व्यक्ति जन्मजात इंटेलिजेंट नहीं होता, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आपके 10वीं में 12वीं में या ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज रहे हैं उसका यहाँ ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। परसेंटेज अच्छे होते हैं तो बेस अच्छा क्लियर होता है, तो आगे कम मेहनत करनी पड़ती है। बैकग्राउंड या एजुकेशनल जो एकेडमिक अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए हिंदी में एक बच्चा 10वीं में 100 में से 100 लाया, या मान लो 90-95 लाए, तो उसकी ग्रामर वहीं से अच्छी है, आगे उसने पढ़ी नहीं पढ़ी अलग बात है। अब आपकी मान लीजिए शुरू से 0 है तो आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू से अच्छा है तो आपको कम मेहनत में काम चल जाएगा, जल्दी आप कैचअप कर लोगे, मेमोरी पावर भी अच्छा होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अभी भी आप मेहनत करके जो है कर सकते हैं। वो रस्सी वाला भी आपने सुना है, वही उदाहरण है लोकप्रिय प्रचलित कि पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो वैसे किसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो वो याद रहने लगता है। किताबों को अंडरलाइन कीजिए, नोट्स अब ज़्यादा मत बनाइए, बनाइए शॉर्ट बनाइए, कम से कम लिखिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है। किताब पढ़ी, अंडरलाइन की, हाईलाइट कर ली, दोबारा रिवीजन करो, यानी आप सीधा हाईलाइट मत करो, पहले अंडरलाइन करो, हाईलाइट कम चीज़ों को करो ताकि कम देखना पड़े आपको, रिवीजन में और शॉर्ट हो जाए। जैसे मान लो एक किताब को पढ़ने में आपको जितना टाइम लगा है 10 घंटे लगे, तो रिवीजन में उसको 2 घंटे में लगे, ऐसी कोशिश करो। तो हर जगह तो क्वेश्चन होता नहीं है, हर पेज पे पुराने वाले क्वेश्चन के आधार पर आपको आइडिया लगने लगता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा जा सकता है। आप आलतू फालतू अनाफ्ट मत याद रखिए। जैसे मान लीजिए आप जनगणना पढ़ रहे हैं तो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान याद कर लिया, 5, 5, 6, 6 स्थान हर चीज़ में मत याद कीजिए, प्रथम द्वितीय, यानी अनाप आंकड़े याद करने के बजाय बेसिक चीज़ें जो है वो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मेन कॉन्सेप्ट वो ज़रूरी है। दूसरी बात, पूरे सिलेबस पर नज़र डालनी ज़रूरी है। आप केवल हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में कारक पढ़ रहे हैं और कारक में या संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में नाप टाइम दे दिया, इतना नहीं, आप बराबर समय दीजिए, सभी पूरे सिलेबस को टच कीजिए, सिलेबस का हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करें। कुछ एक ऐसे हैं जो एकदम ही समझ में नहीं आ रहे, उनको आप छोड़ सकते हैं, मगर ये भी नहीं है कि एक टॉपिक में आप इतना डूब जाएं कि दूसरे टॉपिक आपके रह ही जाएं, ऐसा नहीं करना है। एक टॉपिक को आप 10 जगह से मत पढ़िए, एक टॉपिक तैयार कर लीजिए एक जगह से या 2 जगह से, फिर उसको तैयार कर लिया, दूसरा टॉपिक तैयार किया। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयारी करते रहें, धैर्य रखें, आपकी मेहनत देखो। एक मुझे किसी ने कहा था कई सालों पहले, कोई फौजी साहब थे रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो ये बात सत्य है, आप पढ़ रहे हैं, सफलता मिले या नहीं मिले, आपने ज्ञान अर्जित किया है, अर्जित किया हुआ ज्ञान आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, चाहे परिवार में काम आओ, चाहे कहीं पढ़ाने के काम आओ, चाहे अगले एग्जाम में काम आओ। यानी आप ऐसे निराश ना होए कि असफलता मिल गई तो क्या होगा, असफलता के डर से हम प्रयास ही नहीं करें, ये तो बहुत ही गलत है। अपने को कोशिश करनी है, जितनी हिम्मत है ऊर्जा है उतनी आप कोशिश कीजिए। और एक पावेल कोलिन एल पावेल का कथन है कि हम जो है अगर अपनी क्षमता के अनुसार भी कार्य करें तो दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, दिन यूं ही गुजर जाता है, एक एक दिन करते करते एक एक महीना और महीना करते करते साल गुजर जाते हैं। तो इसलिए मित्रों फोकस कीजिए, आप तुरंत जो है वीडियो देखने के बाद में टाइम टेबल बनाइए, कच्चा एक सिंपल लचीला फ्लेक्सिबल, और बहुत लंबी चौड़ी योजना नहीं, 1 दिन की 7 दिन की प्लानिंग बनाइए, उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए।
और मिलते रहेंगे आपसे समय समय पे। और मेरे प्ले लिस्ट में भी और बहुत सारे वीडियो हैं, नाम सर्च करें मेरा मुकेश ढाका, और यूट्यूब चैनल खोलें, प्ले लिस्ट खोलें, वहाँ भी आपको कई काम के वीडियोस मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते रहेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, धन्यवाद।